पूर्व सीएम अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोके जाने के बाद प्रदेश भर में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानमंडल के दोनों सदनों में इसको लेकर हंगामा चलता रहा। मंगलवार को भी इसी के चलते सदन नहीं चल पाया था और आज एक बार फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा दो बार स्थगित करनी पड़ी और तीसरी बार करीब 1:30 बजे विधानसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी के खिलाफ कल अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ में घटना हुई और प्रयागराज में माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी, अन्य सांसदगणों, विधायकों के साथ, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्बर लाठीचार्ज किया गया, इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से नियम 311 में आज हम लोगों ने अध्यक्ष जी को दिया था सुनने के लिए। उन्होंने उसे 56 परिवर्तित करते हुए हमको सुना। हमारी मांग है कि कल की घटना की हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की देखरेख में जुडिशरी जाँच कराई जाए। जो फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं इलाहाबाद, प्रयागराज के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में, उनको वापस लिया जाए और जिन लोगों ने बर्बर लाठीचार्ज किया है और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के नाखून भी खींचे हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें निलंबित किया जाए, उन्हें दंडित किया जाए।